नमस्कार दोस्तों, विपुल्स मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपुल पवार और आज मैं आपको जापान में घटी हुई एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ। ये बात है 1970 की, जब जापान अपने डेवलपमेंट की वजह से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया था। कुछ ही दिनों बाद जापान में स्कूल में जाने वाले मासूम बच्चों की हत्या होने लगी। उन बच्चों की हत्या कौन कर रहा था ये किसी को पता नहीं था। करीब एक हफ्ते बाद लगभग 200 बच्चों की हत्या हो गई थी और इस हत्या में जितने भी बच्चों की मौत हुई थी उन सब का मुंह अपने होठों के दो बाजू से फटा हुआ था। एक दिन वहाँ का एक लड़का स्कूल से घर पैदल चल रहा था और उसे रास्ते में एक लड़की मिली जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था। उस लड़की ने उसका रास्ता रोककर उसे एक सवाल पूछा और ये सवाल ये था कि क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ। उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ आप खूबसूरत हो। उसके बाद उस लड़की ने अपने चेहरे से मास्क हटाया और उसे देखते ही उस लड़के के रोंगटे खड़े हो गए। बात ये थी कि उस लड़की का मुंह होठों के दोनों बाजू से फटा हुआ था। वो लड़का वही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब उसका मुंह फटा हुआ था। उन्होंने ये बात पुलिस को जाकर बता दी और वो लड़की थी कुचिसाकी ओना, जो एक चुड़ैल थी। तब से लेकर उस लड़की की दहशत पूरे जापान में फैल गई। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था और बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया था। मानो कि ये उस समय का जापान का खुद के मर्जी का लॉकडाउन था। कुछ दिनों बाद वो चुड़ैल वहाँ से चली गई और वो कहाँ चली गई ये बात अब तक किसी को पता नहीं चली। अब बात करते हैं कि ये चुड़ैल आखिर कौन थी। ये बात है 800 साल पुरानी, जब एक घर में एक योद्धा और उसकी पत्नी रहा करती थी। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत दिखती थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। उसका पति जो एक योद्धा था वो किसी युद्ध के कारण कई दिनों से घर से बाहर चला गया। जब वो अपने घर लौट के आया तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ है। तभी उसके पति ने गुस्से में उस औरत के मुंह पर तलवार से घाव कर दिया और उसी वजह से उसका मुंह अपने होठों के दो साइड से फट गया और वो औरत खूबसूरत से बदसूरत दिखने लगी। उसी के कारण उसने खुदकुशी कर ली और करीब 800 साल बाद वो एक चुड़ैल बनकर वापस आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।